नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फायर सेफ्टी एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लीवी के बारे में, यानी कि बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉमन कॉजेज क्या क्या होते हैं ब्लीवी के, ब्लीवी होने के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर होती हैं, और ब्लीवी के केस में जो स्ट्रक्चर फेलियर होता है उसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं, ब्लीवी को प्रिवेंट कैसे करना है, क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होते हैं, ये देखेंगे हम। फिर उसके बाद देखेंगे कि ब्लीवी को लेके कुछ लोगों में मिसकंसेप्शंस हैं, वो क्या क्या हैं, वो उस पर हम डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में देखेंगे कि फायर फाइटर सेफ्टी इन ब्लीवी, अगर कहीं पे ब्लीवी की सिचुएशन है तो फायर फाइटर्स कैसे सेफ रह सकते हैं, क्या क्या मेजर्स लेने होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जानेंगे कि बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन यानी कि ब्लीवी होता क्या है। ब्लीवी उस कंडीशन में होता है जब हम किसी लिक्विफाइड मटेरियल को या फिर लिक्विफाइड गैस को किसी सील्ड कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं, किसी सील्ड वेसल में स्टोर करके रखते हैं, तो उस कंडीशन में अगर कहीं से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हीट मिलती है उस मटेरियल को तो वो उबलना शुरू हो जाता है। जब उसके बॉइलिंग पॉइंट पे उस मटेरियल का टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो वो उबलना शुरू हो जाएगा और उसमें से वेपर निकलने शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन में जब बहुत ही ज़्यादा वेपर क्रिएट हो जाएगा तो एक टाइम पे जाके जिस भी वो वेसल में स्टोर्ड है या फिर जिस भी कंटेनर में स्टोर्ड है उसे वो रैप्चर कर देगा प्रेशर के कारण, और फिर वहाँ पे एक एक्सप्लोजन होगा, तो उसे ही हम ब्लीवी बोलते हैं। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ब्लीवी का मतलब कि एक्सप्लोजन ही होना है, एक आग का गोला, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मिसकंसेप्शन है लोगों की। इसमें क्या होता है कि अगर जो मटेरियल स्टोर्ड है वो फ्लेमेबल मटेरियल है तो वहाँ पे फायर होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर उसमें नॉन फ्लेमेबल मटेरियल स्टोर्ड है तो वहाँ पे सिर्फ एक एक्सप्लोजन होगा जो रैप्चर हो जाएगा, जिसमें भी वो स्टोर्ड है किसी भी तरह के उसमें फायर होने के चांसेस नहीं होते हैं। आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं ब्लीवी को लेके लोगों में। एक और इसका डेफिनेशन है कि ब्लीवी इन्वॉल्व सडन वायलेंट रैप्चर ऑफ कंटेनर दैट होल्ड सुपर हीटेड लिक्विड, यानी कि किसी टेन वायलेंट रैप्चर हो जाना जिसमें कि एक सुपर हीटेड लिक्विड स्टोर था, वो ब्लीवी कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो प्रेशर कुकर, जिस सिद्धांत पे प्रेशर कुकर काम करता है सेम ब्लीवी भी उसी कंडीशन में होता है। तो अगर आप लोग बैचलर हैं और प्रेशर कुकर का यूज करते हैं तो बी केयरफुल, आपके घर में ब्लीवी होने के चांसेज हो सकते हैं। ब्लीवी में तीन स्टेप्स होते हैं, पहला होता है बॉइलिंग लिक्विड, दूसरा होता है एक्सपेंडिंग वेपर्स, और तीसरे में एक्सप्लोजन हो जाता है। तो हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो फिगर है इसमें एक स्फेरिकल टैंक दिखाया हुआ है, इसमें जो मटेरियल है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर पहुंच गया है, उसका टेम्परेचर जो है, और उससे वेपर बनने शुरू हो गए हैं। इस कंडीशन में जो इसमें पीआरवी होती है, प्रेशर रिलीज वॉल्व होता है, वो कुछ मात्रा में प्रेशर को रिलीज कर सकता है, लेकिन जब मटेरियल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वेपर बहुत बड़ी मात्रा में बनने लगते हैं और वो पीआरवी के थ्रू रिलीज नहीं हो पाते। इस कंडीशन में वेसल में कहीं से भी एक रैप्चर होगा और जितना भी वेपर है वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा। तो ये होता है बॉइलिंग लिक्विड, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में उसमें वेपर बनने लगेंगे, प्रेशर क्रिएट होने लगेगा, और एक कंडीशन पे जाके वेसल जो होगा उस प्रेशर को झेल नहीं पाएगा। तो अगला स्टेप होगा, उसमें क्या होगा, वो एक कहीं जगह से फट जाएगा और फिर सारे वेपर्स उसमें से बाहर निकल जाएंगे और उसके साथ में लिक्विड भी उसमें बाहर निकलता है। अब देखते हैं कॉमन कॉजेज ऑफ ब्लीवी, ब्लीवी होने के कॉमन कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। जो मेन और सबसे कॉमन कॉज है वो ब्लीवी होने का कि किसी भी टैंक के आसपास फायर होना, तो उस कंडीशन में जो टैंक में स्टोरेज मटेरियल है उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, उससे उसमें वेपर क्रिएट होने लगेंगे और वो जो टैंक है, जो कंटेनर है, ओवर प्रेशराइज हो जाएगा और एक सिचुएशन पे जाके वो फट जाएगा, वहां पे एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो ये होता है कॉमन कॉजेज ब्लीवी का। अब देखेंगे ब्लीवी होने के लिए क्या क्या कंडीशंस प्रेजेंट होनी चाहिए जिस कंडीशन में ब्लीवी होने के चांसेस होते हैं। पहला जो है वो लिक्विड होना चाहिए, या तो फ्लेमेबल लिक्विड होगा या फिर वो कंप्रेस्ड गैस होगा लिक्विड फॉर्म में, तो उस कंडीशन में ही ब्लीवी होने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर सिर्फ वेपर कहीं पे स्टोर है तो उसमें इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाएगा और फिर जो ब्लीवी है वो होने के चांसेस नहीं होते हैं। दूसरा जो है वो प्रेशराइज कंटेनर, अगर जो कंटेनर है या फिर टैंक या वेसल है जिसमें हमने मटेरियल स्टोर किया हुआ है उसको हीट मिल रही है तो वेपर क्रिएट होगा उसमें। अगर उसमें वेंटिलेशन का कहीं से सिस्टम है या फिर वेंट है तो वो वेपर जो है वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा, तो इस कंडीशन में उसके अंदर ओवर प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाएगा और फिर एक्सप्लोजन के चांसेस नहीं होते हैं, तो वहां पे ब्लीवी का चांस नहीं होगा। तो इसलिए ब्लीवी जहां भी होगा वो प्रेशराइज कंटेनर होगा। तीसरा जो है वो एबव बॉइलिंग टेम्परेचर, तो जो मटेरियल स्टोर किया हुआ है हमने, जो लिक्विड है या फिर लिक्विफाइड गैस है, उससे इतनी ज्यादा हीट मिलेगी कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर गेन कर लेगा और वेपर बहुत ज्यादा क्रिएट होने लगेंगे उबलने के कारण, तो वहां पे टेम्परेचर का बहुत ही बड़ा रोल है।
चौथा जो है वो स्ट्रक्चर फेलियर, जब मटेरियल में टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, बॉइलिंग लेवल पे पहुंच जाएगा और वेपर भी बनने लगेगा, तो इस कंडीशन में जब अंदर ओवर प्रेशर क्रिएट होगा तो उस प्रेशर को रिलीज होने के लिए कहीं से जगह चाहिए, तो जो स्ट्रक्चर है जो वीक पॉइंट होगा वहीं से वो जगह बना लेगा अपनी और वेपर वहीं से रिलीज होने लगेगा। तो मतलब जो स्ट्रक्चर का फेलियर है वो भी एक जरूरी पार्ट है ब्लीवी के होने में। अब देखेंगे रीजन फॉर फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर। अभी हमने देखा कि स्ट्रक्चर फेलियर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है ब्लीवी में, तो अब जानेंगे स्ट्रक्चर फेलियर होने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला जो होता है इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ टैंक्स। जो टैंक्स और वेसल्स होते हैं जिनमें मटेरियल स्टोर करते हैं उनका टाइम टाइम पे इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस नहीं होना। दूसरा जो है कोरोजन ऑफ टैंक स्ट्रक्चर, जो टैंक का स्ट्रक्चर है उसमें कोरोजन होना, उसमें जंग लगा होना। तीसरा जो है जो रिलीफ वाल होता है वेसल के ऊपर, रिलीफ वाल लगा होता है जिससे ओवर प्रेशर क्रिएट होने पे वो ऑपरेट होके जो प्रेशर है वो रिलीज कर देता है, उसका माल फंक्शनिंग करना या फंस जाना या काम नहीं करना, ये एक रीजन हो सकता है। किसी तरह का मैकेनिकल डैमेज, जो स्टोरेज टैंक है कंटेनर है उसमें कोई मटेरियल फेलियर हो सकता है, या फिर जो टैंक या वेसल है वो किसी फायर या फ्लेम से डायरेक्टली एक्सपोज होना, ये भी एक स्ट्रक्चर फेलियर का रीजन हो सकता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर फेलियर के रीजंस थे। अब देखेंगे प्रिकॉशंस टू अवॉइड ब्लीवी। ब्लीवी को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं। तो पहला पॉइंट जो है मेंटेनिंग सेफ डिस्टेंस फ्रॉम पोटेंशियल फायर सोर्स। तो जो भी सील कंटेनर हम इस तरह के मटेरियल स्टोर करते हैं जिन भी सील कंटेनर में, वो ऐसी जगह पे होने चाहिए जहां पे फायर सोर्स होने का आसानी से आग लगने के चांसेज ना हो। पुल फायर होने के जो चांसेज होते हैं उन्हें मिनिमाइज करने के सारे तरीके अपनाए गए हों, किसी तरीके का पुल फायर ना लगे। अगर पुल फायर पे आपने वीडियो नहीं देखी तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। जो आपके वेसल का रिलीफ वाल है वो हमेशा फंक्शनल होना चाहिए, अगर रिलीफ वाल फंक्शनल है तो बहुत हद तक हम ब्लीवी को प्रिवेंट कर सकते हैं। जो आप वेसल पे रिलीफ वाल फिट करते हैं वो इंटरनेशनल गैस कोड के अकॉर्डिंग होना चाहिए उसका साइज। अगर एक जगह पे एक से ज़्यादा आपके सील टाइप स्टोरेज कंटेनर्स हैं, वेसल्स हैं, तो आपको वाटर मिस्ट बैरियर का यूज़ करना चाहिए वहाँ पे, ताकि जो पास वाला टैंक है वो इफेक्टेड ना हो। जो भी टैंक या वेसल हम जिसमें मटेरियल स्टोर कर रहे हैं वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो वेल मेंटेन होना चाहिए, टाइम टाइम पे इंस्पेक्शन होना चाहिए और उसका मेंटेनेंस होते रहना चाहिए, किसी भी तरह के स्ट्रक्चर फेलियर के चांसेस नहीं होने चाहिए। थर्मल इंसुलेशन, जो हमारे स्फेरिकल टैंक्स होते हैं उनमें थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि हीट से उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, या फिर जो माउंटेड फैसिलिटीज होती हैं, आपने देखा होगा माउंटेड बुलेट्स होते हैं उन्हें जमीन के नीचे दबा के रखा जाता है ताकि किसी भी तरह का हीट का इफेक्ट ना पड़े उन्हें, तो ये भी एक तरीका है ब्लीवी को प्रिवेंट करने का। जहाँ पे आपके वेसल्स हैं वहाँ पे आप फायर एंड गैस डिटेक्टर्स का यूज कर सकते हैं ताकि किसी भी वेपर रिलीज की सिचुएशन में आपको पता चल सके, और आपकी साइट पे हमेशा इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान होना चाहिए किसी भी तरह की इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए। अब देखेंगे ब्लीवी को लेके कुछ लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिसे वो लोग सही मानते हैं लेकिन सही नहीं है, तो वो क्या क्या फैक्ट्स हैं वो हम देखेंगे। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ब्लीवी का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ एक बात आती है कि मैसिव फायरबॉल, एक बहुत बड़ा आग का गोला, लेकिन ये सही बात नहीं है। मटेरियल में भी होता है, अगर मटेरियल फ्लेमेबल है तो फायर होगी, नहीं तो नॉन फ्लेमेबल है तो फायर होने के चांसेस नहीं होते हैं। अगर कहीं पे फ्लेमेबल लिक्विड्स में ब्लीवी होता भी है तो उसे इग्निशन सोर्स या स्पार्क की जरूरत होती है, जब तक स्पार्क या इग्निशन सोर्स कहीं से नहीं मिलता तब तक ब्लीवी नहीं होगा। कुछ लोगों की मिसकंसेप्शन है कि जो नॉन फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं जैसे पानी है, लिक्विड हीलियम है, लिक्विड नाइट्रोजन है, ये सब सेफ है, इसमें ब्लीवी होने के चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन वो उनकी मिसकंसेप्शंस हैं, गलतफहमी है, इन सब में ब्लीवी होने के चांसेस होते हैं, बस अगर नॉन फ्लेमेबल है तो वहां पे फायर नहीं होगा, फायरबॉल नहीं दिखाई देगा आपको। कुछ लोग का मानना है कि ब्लीवी को प्रिवेंट करना है तो प्रेशर रिलीफ वॉल आप लगा दो ब्लीवी प्रिवेंट हो जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं। कुछ हद तक हम ब्लीवी को प्रिवेंट कर सकते हैं पीआरवी का यूज करके, लेकिन पीआरवी की एक फंक्शनैलिटी होती है कि वो ऑपरेट होगा उसके बाद अपने आप रीसेट हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है, अगर वेपर बहुत ही ज्यादा मात्रा में बन रहा है तो पीआरवी एक लिमिटेड वेपर ही रिलीज करेगा, बाकी जो वेपर है उसमें वो प्रेशर क्रिएट करेगा और वहां पे एक्सपोजर होने के चांसेस होंगे। अब आगे देखेंगे फायर फाइटर सेफ्टी इन ब्लीवी पॉसिबल सिचुएशंस। तो ब्लीवी की कंडीशन में फायर फाइटर्स को किस तरह सेफ रहना है, किस तरीके से एक्शन लेना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम बात करेंगे। जब भी आप किसी ब्लीवी की कंडीशन में हैंडल करते हैं, फायर फाइटिंग के लिए वहाँ पे जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको सिचुएशन चेंज हो सकती हैं, लेकिन अभी जो एक कॉमन सिचुएशन होती है उसे देख के हम यहाँ पे प्रिकॉशंस बता रहे हैं। आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आप जो सोर्स है, जो कंटेनर है, उससे जितनी ज़्यादा दूरी मेंटेन कर सकते हैं उतनी ज़्यादा दूरी आपको मेंटेन करनी है। ये पॉसिबल हो सकता है जो अनमैन्ड होज होल्डर होते हैं और जो पोर्टेबल मॉनिटर्स होते हैं इनका यूज करके आप दूर रह सकते हैं।
जो भी आपके वेसल्स हैं, कंटेनर्स हैं, उनकी कंटिन्यूअस कूलिंग करते रहना चाहिए। अगला पॉइंट जो है कि आपको जब कूलिंग कर रहे हैं किसी वेसल का, किसी टैंक का, तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि उस पर डायरेक्ट वाटर अप्लाई नहीं करना है। किसी भी कंडीशन में जो सोर्स ऑफ लीक है वहाँ पे किसी भी कंडीशन में डायरेक्ट वाटर अप्लाई नहीं करना है, वो भी जेट फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं। आपको ये ध्यान रखना है जो वेसल या टैंक है वो कहीं से भी एक्सप्लोड हो सकता है, किसी भी दिशा में उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, वो उड़ के आ सकते हैं। तो आपको कहीं भी, आप कितनी भी दूरी पे हैं, किसी भी डायरेक्शन में हैं, आपको हमेशा अवेयर रहना है। अगर आप ब्लीवी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप एक केस स्टडी ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आप जाके सर्च करिएगा IOC हजीरा टर्मिनल 2013, जो IOC हजीरा टर्मिनल पे 2013 में मेजर ब्लीवी हुआ था, तो उसकी केस स्टडी से आपको ज़्यादा नॉलेज मिल सकती है इसके बारे में। तो अगर आप डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये IOC हजीरा टर्मिनल 2013 का जो केस स्टडी है उसे ज़रूर पढ़िएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड जय हिंद।